So question number 4 को read करते हैं. Two poles of the height 18 meter and 7 meter are erected on the ground. यानी कि दो पोल है जिनकी heights है 18 और 7. मैंने already diagram बनाया. AB represent the pole of height 7. CD represent the pole of height 18. दो poles है जो ground के ऊपर लगा है. हमने पहले ही assume किया था जो भी चीजें ऐसी होगी हम लोग उसको perpendicular to the ground लगाएंगे. यानी कि ये दोनों एंगल है 90 डिग्री. ठीक है. उसके बाद क्या बोल रहे हैं, द लेंथ ऑफ द वायर फास्टेंड एट द टॉप इज 12 मीटर. फास्टेंड एट का मतलब कि टाई किया हुआ या फिर बांधना. तो उन्होंने क्या किया, एक वायर बांधा हुआ जिसको मैंने ए से डी रिप्रेजेंट किया है. तो ए डी रिप्रेजेंट द वायर विच इज ऑफ द लेंथ 22 मीटर. ओके, फिर क्या कहा गया, फाइंड द एंगल मेड बाय द वायर विद द हॉरिजॉन्टल. तो हमें क्या करना है, ये जो वायर है उसको कुछ तो एंगल बन रहा है ना विद द हॉरिजॉन्टल. तो पहले हॉरिजॉन्टल बनाता है. सो हम लोग क्या करता है, ड्रॉ AE परपेंडिकुलर टू BC बिकॉज BC क्या है, ग्राउंड है. अगर मुझे AD का एंगल विद द ग्राउंड चाहिए तो मैं क्या करूंगा, एट द पॉइंट A आई विल ड्रॉ लाइन विच इज पैरेलल टू द ग्राउंड दैट इज BC. तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी. ठीक है, ये जो हो गया वो E हो गया. ओके तो इस हिसाब से अभी हमें ढूंढना क्या है, तो हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है. ओके सो to find is nothing but angle DAE. अभी एंगल हमें फाइंड आउट करना है. हमारे पास कुछ तो और ज्यादा इंफॉर्मेशन है, लेकिन आप अगर ऑब्जर्व करोगे दिस एंड दिस इज पैरेलल, दिस एंड दिस इज पैरेलल टू ईच अदर बिकॉज बोथ आर मेकिंग 90 डिग्री विद द ग्राउंड. उसके साथ साथ अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा. उसका मतलब देयरफॉर रेक्टेंगल AECB और एल से क्वाड्रिलेटरल AECB इज रेक्टेंगल, इज अ रेक्टेंगल. रेक्टेंगल होने से फायदा क्या होगा, हमें यह पता चलेगा ये जो पूरा है वो 18 है, करेक्ट, लेकिन उसका इतना पार्ट 7 मीटर हो जाएगा. ओके तो देयरफॉर माय EC इज इक्वल टू AB. Therefore, EC is equal to 7 meter. पूरा 18 है, उसमें से नीचे का पार्ट है 7, तो ऊपर का कितना होगा, तो बचा हुआ पार्ट. तो उसको किस तरीके से हम लोग देखेंगे, अगर लिखना ही है डिटेल में तो हम लोग देखेंगे कि D से C कैसे जाओगे, तो D से E जाओगे प्लस E से C जाओगे. ये 18 है, D का वैल्यू पता नहीं है, अगर समझ के आगे चले. Therefore, D is equal to 11 meter. So ये हो गया 11 meter. हमें यह एंगल चाहिए जिसका अपोजिट अभी मिला, हाइपोटेनस ऑलरेडी हमारे पास था. हाइपोटेनस उसे क्यों कहा, बिकॉज ये 90 डिग्री होगा. तो बस वही चीजों को यूज करेंगे इन ट्रायंगल AED. क्या है ये, एंगल के अपोजिट और हाइपोटेनस. ऐसा कौन सा एंगल होता है जो अपोजिट और हाइपोटेनस के बारे में बात करता है, तो साइन थीटा. तो साइन, मैं इसको एक्स दे देता हूं नाम, एक्स. साइन एक्स इज इक्वल टू DE अपॉन हाइपोटेनियस AD, है ना, इसके अपोजिट ये है, हाइपोटेनियस ऊपर है. ओके तो साइन एक्स इज इक्वल टू 11/22 दैट इज नथिंग बट 1/2. साइन का वैल्यू 1/2 कब होता है, तो हमें पता है साइन का वैल्यू 30 पे होता है. ऑल्सो सिंस माई साइन ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू हाफ implies me my x is equal to 30 degree. ठीक है, फिर आप वर्ड में लिखोगे the angle between wire and the horizon is nothing but 30 degree. तो इस तरीके से ये सम खत्म होता है. ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है. पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ता. A storm broke the tree and the tree top is rested 20 meter from the base of the tree, making an angle of 60 degree with the horizontal. फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री. यानी कि एक ट्री है जो तूफान की वजह से गिर गया, टूट गया है उन लोग कहना चाहते, और वो जब गिर रहा है तब 60 डिग्री बताता है. उसका जो टॉप रहेगा वो गिरने के बाद जब ग्राउंड को टच करता है तब वो 60 डिग्री बनाता है. छोटा सा नोट है, सपोज मेरे पास एक ट्री है, ये ट्री है, अगर ये गिरता है, इतना ही ट्री है, ठीक है, ये गिर रहा है, तो ये अगर इस तरीके से गिरेगा तो वो हॉरिजॉन्टल के साथ 0 डिग्री बना रहा है. यानी कि हमें पता चला है कि ट्री अपने बेस से नहीं टूट रहा है, वो जो ट्री है वो कहीं बीच में से ऐसे टूट रहा है और फिर ऐसे गिर रहा है. ठीक है। तो आधा पार्ट अभी भी ग्राउंड के साथ अटैच्ड है, यानी कि अगर मैं कहूं कि ये ट्री है, दिस ए बी रिप्रेजेंट द ट्री, तो गिरने के बाद क्या हो रहा है, तो ये जो टुकड़ा था ना ए सी, वो गिर के यहां पे आ जाता है। सपोज आई गिव नेम सी डी, दिस इज ग्राउंड, ये परपेंडिकुलर हो, ठीक है। हुआ क्या, ये पूरा ट्री था, गिरा तब बीच में से टूट के इस तरीके से गिर रहा है, तभी जो ग्राउंड के साथ एंगल बना वो है 60 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से दिया। अभी मुझे क्या पता है, ये जो पार्ट था वही गिर के यहां पे आया ना, तो दिस लेंथ एंड दिस लेंथ इज सेम, ठीक है। आई होप आपको समझ रहा है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, इसके बाद ज्यादा कुछ नहीं करना, उन्होंने डिटेल दिया बस उसी को यूज करेंगे। क्या कहा है, अ स्टोन ब्रोक द ट्री रेस्टिंग एट 20 मीटर फ्रॉम द बेस, यानी कि उसका जो टॉप है वो बेस से 20 मीटर के डिस्टेंस पे जाके गिरता है, ठीक है। तो 20 मीटर इज दैट हाइट। अब हमें क्या चाहिए, तो हमें हाइट ऑफ ट्री चाहिए, यानी कि ए बी इज क्वेश्चन मार्क, वी नो दैट ए बी इज सेम एज ए सी प्लस सी बी, तो हम इन दोनों को निकालेंगे और काम हो जाएगा। AC को निकालने से अच्छा होगा CD को निकालो और फिर उसका वैल्यू डाल दो, बिकॉज वैल्यूज आर सेम। तो अब हमारे दिमाग में BC और CD के वैल्यूज निकालना और कुछ नहीं, ठीक है। सो लिखोगे आप सॉल्यूशन के अंदर, लेट AB represent the tree which broke at the point C, ओके, C पॉइंट से वो गिर रहा है, एंड D रिप्रेजेंट द टॉप, D रिप्रेजेंट द टॉप ऑफ ट्री आफ्टर ब्रेकिंग, ओके। तो इस तरीके से हमने डिटेल लिख दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इन ट्राइंगल DBC मुझे अभी चला अपोजिट चाहिए, सो मैं क्या करूंगा, tan ऑफ 60 डिग्री इज सेम एज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, दैट इज बी। 60 डिग्री के सामने है BC, एडजेसेंट है दिस, और ये तो हाइपोटेन्यूस है, ठीक है। तो उस हिसाब से ये ठीक है। tan ऑफ 60 डिग्री क्या होता है, yes, आपको अब याद रहना चाहिए। tan ऑफ 60 डिग्री क्या होना चाहिए, tan ऑफ 0 इज 0, tan ऑफ 30 डिग्री इज √3 और 1/√, इट इज 1/√3, फिर 1 आता है, फिर √3 आता है। सो tan 60 डिग्री इज √3 इज इक्वल टू BC वैल्यू इज नथिंग बट वी वांट टू फाइंड आउट, डिवाइड बाय 20। देयरफॉर माय BC इज इक्वल टू 20 टाइम्स √3। अब क्वेश्चन है कि √3 का वैल्यू क्या लेंगे, बिकॉज हमें टेक्स्ट बुक के अंदर वैल्यू नहीं दिया था कोई, तो हम √3 को √3 ही रखेंगे। अगर कोई वैल्यू दिया होता 1.78 जैसा, तो हम लोग उसे यूज करते अप्रोक्सीमेट वैल्यू, लेकिन नहीं दिया तो इधर ही छोड़ देंगे, okay? अब मुझे पता है कि दिस इज नथिंग बट 20 √3, मुझे ये फाइंड आउट करना है, हाइपोटेन्यूस। पाइथागोरस थ्योरम होता ही है, लेकिन हम उसे यूज नहीं करेंगे, हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को यूज करेंगे। अब मैं क्या करूंगा, बेस यानी कि एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूस वाला एक फंक्शन यूज करूंगा, दैट इज नथिंग बट कॉस। कॉस ऑफ 60 डिग्री इज नथिंग बट बेस उसका है 20, यानी कि एडजेसेंट इज 20 डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस इज सी, ओके। कॉस 60 डिग्री क्या होता है, दैट इज नथिंग बट हाफ इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाय CD, देन CD इज नथिंग बट 20 इंटू 2, दैट इज नथिंग बट 40, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, CD ऊपर 2 वहां, तो CD इज नथिंग बट दिस मच, ओके। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, we know that my AB is nothing but AC plus CB, AC same as CD, तो CD plus CB that is same as 40 plus 20 √3, 20 अगर कॉमन ले लिया तो बचेगा 2 plus √3। अगर आप 40 को देखोगे तो इट इज 40, 20 2 और 20 √3 में से 20 बार आया तो 10 बचा, ओके। सो एंड में क्या लिखोगे आप, सिंपल सा था, एंड में आप लिखोगे हाइट ऑफ द ट्री इज 20 टाइम्स 2 प्लस √3 मीटर, ठीक है। अगर वैल्यू दिया होता तो हम लोग लिखते, नहीं दिया √3 का वैल्यू, इसलिए यहीं पे छोड़ेंगे, ठीक है। अच्छा लगा तो आपको लाइक करना है। अब भी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अ काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, द स्ट्रिंग इज अटैच्ड टू द काइट is tied at the ground, which makes an angle of 60 degree with the ground, and assumption is the thread which is used is completely straight when the kite is flying. यानी कि कहना ये चाहते हैं कि यार कोई पतंग उड़ा रहा है, पतंग जो है वो ग्राउंड से कितने हाइट पे है, तो उन्होंने दिया 60 मीटर. उसके बाद कहा क्या है कि वो जो एंगल बनाता है ग्राउंड के साथ दैट इज 60 डिग्री, करेक्ट? यस. तो और एक चीज़ उन्होंने assumption दी थी कि जो वायर है हमारा, यानी कि जो थ्रेड है वो जो रहेगा वो कम्प्लीटली स्ट्रेट है. अगर मैं डायग्राम रिप्रेजेंट करूं तो सपोज दिस इज अ पॉइंट जहां पे हमने थ्रेड को बांधा है, ये जो है एक स्ट्रेट लाइन है थ्रेड, यहां पे हमारा काइट है विच इज एट द हाइट ऑफ व्हाट 60 मीटर. हाइट हर बार ग्राउंड से परपेंडिकुलर होगा, इसलिए मैंने उसको परपेंडिकुलर बनाया. नीचे लेके आते थोड़ा, दिस इज नथिंग बट द ग्राउंड, दिस इज परपेंडिकुलर. सो ए बी सी, उन्होंने बोला ये जो एंगल बन रहा है दैट इज नथिंग बट 60 डिग्री. पूछा गया है फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, यानी कि जो स्ट्रिंग है थ्रेड है उसका हम लोग फाइंड आउट करना है. लेट इट बी क्वेश्चन मार्क. ओके, लिखते हैं चीजों को. लेट ए बी द पोजीशन ऑफ काइट, सी बी द पॉइंट एट विच the string is tied to the ground, string is tied to the ground, okay, and AB is the height. उस हिसाब से इन ट्रायंगल ABC ये 60 डिग्री है, अपोजिट पता है, हाइपोटेनियस पूछा है, क्या होता है साइन. साइन 60 इज नथिंग बट opposite and this is hypotenuse. Opposite is AB, hypotenuse is AC. Sine 60 degree is √3/2. AB is nothing but 60 divided by AC is to be found. Let us just cross multiply करना. तो क्या हो जाएगा? AC time √3 is equal to 60 times 2. So AC is 120 divided by √3. AC is equal to 120 divided by 1.73 is the value जो उन्होंने बोला है यूज करने को, यानी कि 12000. डेसिमल के बाद 2 पॉइंट थे तो मैंने डेसिमल हटा के 2 0 ऊपर ऐड कर दिया, 173. इफ यू कैलकुलेट दिस डिवाइड करके तो आपको कुछ 69.2 मीटर आंसर आएगा. सिर्फ एक डेसिमल के तक फाइंड आउट करो, 2 किया तो भी ठीक है, लेकिन अभी के लिए ठीक है. क्वेश्चन अगर अच्छे से समझाए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए. आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है. ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.